एक मुस्लिम लड़की को जब लेके अपने घर में जाएंगे, राजपूत ठाकुर हैं जाएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? कर लिया है पहले ही, वो भी तो बोला था कि इस्लाम पूरा कबूल कर लो। अच्छा, मैंने कि ऐसा थोड़ी होगा, मैं लड़का नहीं करेगा ना, लड़की करेगी। मुस्लिम हो के एक हिंदू लड़के पे विश्वास कर रही हैं, आगे चल के आपको धोखा दे देगा तब आप क्या करेंगे? तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको मालूम था कि ये मुस्लिम लड़की है? हाँ, हमें नहीं पता था, बट कुछ दिन बाद मुझे इसके पास ही रहना और कहीं नहीं रहना। तो देख रहे हैं, एक लड़का हिंदू है और एक लड़की मुस्लिम है, ये दोनों भगकर शादी कर लिए हैं। नाबिया खातून से कैसे बनती है सुनैना, इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। कितने साल से इनसे आप प्यार करती हैं? एक साल से। एक साल से जी। कहाँ प्यार हुआ था? नोएडा में। नोएडा में सेक्टर 137 दिल्ली जी। हाँ, वहाँ पे आप क्या करती थी? मैं वहाँ पे जॉब करती थी। जॉब करती थी। हाँ। एक मुस्लिम लड़की होके हिंदू लड़के से प्यार कर रही थी। हाँ। अब शादी कर ली है? हाँ, कर ली है। माँ बाप का कोई परवाह नहीं? नहीं, माँ बाप का क्या परवाह। माँ बाप से बोला था मैंने कि अच्छे से इज्जत से कर दीजिए, फिर मैं अपने निभाऊंगी, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ अब। कितने साल पहले आप प्यार चालू की थी करना? करीब 6 महीने पहले। 6 महीने पहले रहने लगे थे? 6 महीने पहले। अच्छा। हाँ, पहले ये आपको आई लव यू बोले कि आप आई लव यू उनको? कि हमको आई लव यू बोले थे। अच्छा। हाँ। पहले ये बोले, आप बोले थे पहले? हाँ, हम बोले थे। तो कैसे प्यार की शुरुआत हुआ? बस ऐसे इनका थोड़ा मदद किया था हमने, तो हमने अपने दिल में जो था वो बोल दिया इनको। कैसा मदद किया था? ये घर पे थोड़ा आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी। अच्छा। जो भी इनका पैसा वैसा लगाना होता था तो हम ही को बोलती थी, तो मैं ठीक है लगा देंगे, तो हम ऑनलाइन कर दिया करते थे, इनसे कैश ले लेते। फिर ऐसे ही बातचीत हुई, नंबर एक दूसरे का शेयर किया, फिर जो दिल में आया वो बोल दिया हमने। क्या दिल में आया था? कि शादी करना चाहो तो बताओ, हम कर लेंगे आपसे शादी। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि मैं राजपूत हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने ठीक है बात करते हैं। आप राजपूत हैं, पहले इनको बता दिए थे? ये आपको मालूम था कि ये मुस्लिम लड़की है? हाँ, हमें नहीं पता था, बट कुछ दिन बाद पता चला था। अच्छा। हाँ, कि ये मुस्लिम है, तो फिर मैंने बोला था कि मैं राजपूत हूँ और वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं शादी कर सकता हूँ तुमसे। तो उसके बाद क्या हुआ जब ये बताएं? उसके बाद जहाँ बताए होंगे वहाँ से आप घर आई होंगी, उसके बाद क्या आप डिसीजन लिए? घर तो नहीं आए थे, वहीं पे थे, हमने सोचा था कि हाँ हम शादी करेंगे, बट घर वालों को बता के करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम लोगों ने जी। तो लोग मंदिर में भी शादी कर चुके? हाँ, मंदिर में कर चुके हैं। मंदिर में ऐसे ही हम लोग, इन्होंने बोला था कि चलो हम कर लेते हैं, फिर घर वालों को बता देंगे जी। तो वहाँ पे हमने मंदिर में कर लिया था, फिर हमारी बुआ को अचानक से पता चल गया जी। फिर बुआ ने मतलब फ़ोटो वोटो निकाला, जहाँ से भी निकाला ये नहीं पता है, मेरी एक बहन भी आई हुई थी, उसकी वजह से वो निकल गया फ़ोटो, और निकलने की वजह से उन्होंने घर पर भेज दिया। मैं घर की स्थितियों को देख के फिर नहीं बताना चाहती थी, मैंने सोचा था सारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं बता दूंगी आराम से, मानना होगा मान लेंगे, लेकिन घर वालों ने बोला कि आओ अपनी रीति रिवाज से मैं करा दूंगा। बाद में बोलने लगे कि नहीं भूल जाओ ये वो जो भी है, तो हमने फिर अपनी मर्जी का कर लिया। घर वाले बोल रहे थे कि तुम लड़के को भूल जाओ, किसी मुसलमान लड़के को पकड़ के तुम्हारा शादी करवा दूंगे, निकाह करवा देंगे, तो आपको क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने कहा मुझे दूसरी जगह नहीं जाना है, मैं इसी के साथ ही जाऊँगी, आप लोग को जो करना करी। मैं तो शुरू से ऐसे बोलती आई थी, मुझे इसके पास ही रहना और कहीं नहीं रहना है, तो ये लोग बोल रहे थे नहीं बात मान लो ये वो जो भी है, तो मैंने कहा ठीक है। तो बोलने लगे कि अब कोर्ट कचहरी देखेगी क्या? मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग जो समझ में आया वो करिए मेरे साथ। तो इस लड़के, ये लड़का आया था हमारे घर हमें ले जाने के लिए, बट इसको खिला पिला के मतलब सब कुछ बोल के अच्छे से मेहमानों की तरह विदाई कर दिया गया। नोएडा से आए थे आपको देवरिया में ले जाने के लिए, तब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, अब्बा ने इनको खिला पिला के अच्छे से मतलब मेहमानों की तरह विदाई कर दिया कि हाँ तुम जाओ अपने घर जाओ बेटा, और घर जाके ये मतलब कागज़ पत्र बनवा लो अपना और अपनी स्थिति ठीक करके आके फिर से ले जाना। तो ये तो उन लोगों के बातों में आ गया कि हाँ हम ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं सही है, और ये वहाँ पे मेरा मुंह देख रहा था क्योंकि इसका तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, मेरे सिवाय कोई था ही नहीं उसका, तो किसके बदौलत बोलता हूँ वहाँ पे, गाँव मेरा, शहर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, तो किसके बदौलत बोलेगा फिर? इसके पास कोई ताकत ही नहीं था कि मैं किसी और से बोलूँ, और मेरे वजह से चुप भी था, अगर ये कुछ करता भी तो ये उल्टे फंसता, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। डायरेक्ट एक फ़ोन पे आप नोएडा से देवरिया चले आए जी, और क्या, अपनी पत्नी को लेने आए ना। अच्छा, और क्या? अरे भाई कोर्ट में शादी हुआ नहीं, मंदिर में शादी हो गया, उसको मान लिया आप है ना। अच्छा, और क्या? तो जब घर पे गए तो आपका कैसा सेवा सत्कार कैसा हुआ? फिलहाल तो नॉर्मली किया था, बट बोला था कि ज़्यादा किसी को बताना नहीं है कि तुम ऐसे, जैसे उन्हें पता चला कि हिंदू है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि छुपा खाना है जी। और शाम को लेके गए थे हमको, खाना वाना खिलाया और फिर लेटा दिया, फिर शाम को बात की, फिर सुबह हमको विदा कर दिया। दामाद को सुबह विदा कर दिए, सुबह होते ही तुम जाओ आप, तो
तो बेटी के साथ विदा किए कि अकेले विदा? अकेला हमको विदा किया, इसको रोक लिया था। अच्छा। हाँ, हमको बोला था कि तुम अपना वो भी जो भी दस्तावेज और जो भी दौलत वौलत जो भी जमीन जायदाद उसमें अपना बंटवारा कर लो, उसके बाद हमारे पास आओ। लड़की के पिता बोले कि जो भी जमीन का बंटवारा कर लो, अपने नाम से सारी चीज़ें चढ़वा लो, उसके बाद आना और मुस्लिम धर्म अपना के आना। हाँ, वो भी तो बोला था कि इस्लाम पूरा कबूल कर लो। अच्छा। मैंने कि ऐसा थोड़ी होगा, मैं लड़का नहीं करेगा ना, लड़की करेगी। तो बोले ठीक है, तो तुम भूल जाओ, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये है वो है। अच्छा। ऐसी बातों में उलझा दिया मैंने, ठीक है, मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ तुम, मैं करती हूँ कुछ। फिर उसके बाद मैं चला गया, इनके अब्बा हमको छोड़ने चले गए सुबह। फिर इसके बाद इन्हीं को पता है क्या क्या, जब आपके अब्बा इनको विदाई कराएं, बस में बैठा के छोड़ा है दामाद को, तो उसके बाद कहानी क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 11:30 बजे तक इनको बस में बिठाए, 12 बजे तक छोड़ ओढ़ के बस निकल गई। फिर ये वापस आए, फिर हमसे बोले कि हमने बैठा दिया ये वो, तो ये फ़ोन पे मुझे रोने लगे कि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तुम कुछ करो या तो कुछ बोलो वापस दे। हमने कहा ठीक है, मैं शाम तक कोशिश करती हूँ, अगर ये लोग मानने के कुछ तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गलत कदम उठा दूँगी, मैं भाग भाग जाऊँगी। तो इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम बतिया लो। हमने कहा अम्मी से मैं बात कर रही हूँ, अगर वो मान जाती है तो देखते हैं क्या करते हैं लोग। ये लोग तो बोले थे कि एक हफ्ता के अंदर ही अंदर हम तुम्हारा करके हटा देंगे यहाँ से। अब उसके बाद आने के बाद घर पे कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि भूल जाओ, जो गलती कर दी वो भूल जाओ। हम तो गलती करेंगे तब ना भूलेंगे, हम तो गलती किए नहीं, हमको उसके साथ ही रहना है भाई। तो ये बार बार बोल रहे थे कि गलती की वो भूल जाओ। अब मुस्लिम हो के एक हिंदू लड़के पे विश्वास कर रही हैं, आगे चल के आपको धोखा दे देगा तब आप क्या करेंगे? तो वो मेरी जिम्मेदारी है अब ना। अच्छा। हाँ, अब मैं उसके अलावा क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो तो मेरा देन है कि मैं क्या करूँगी अब। हाँ, तो कहाँ से मामला थाने तक पहुँच गया है? थाने तक ऐसे ही पहुँच गया, ये मुझे लेने आया दोबारा, जब मैंने भी कहा, जब इन लोगों ने बोल दिया मेरे घर वालों ने कि मैंने लड़का देख रखा है, शादी कर देंगे ये वो, अब तू भूल जा उसको जी। तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला कि तुम मत जाओ वापस, तुम वहीं गोरखपुर तक पहुँच गया था, बोला कि उतर जाओ वहीं पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि गोरखपुर आ गया था, मुझे बोला कि मैं गोरखपुर आ गया, तुम बताओ तुम्हें चलना है मेरे साथ? मैंने कहा हाँ मुझे चलना है। जब इन लोग से मैं प्यार से बोल रही हूँ कि मेरी शादी करा दो, तो नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं भाग के आ जाऊँगी। तो इनने बोला ठीक है इतने बजे तक आ जाओगे, मैंने कहा इतने टाइम तक आ जाऊँगी, तुम गोरखपुर से वापस आके देवरिया पूरा चौराहा तक इंतजार करो, मैं वहाँ तुमको मिल जाऊँगी। लड़का इंतजार कर रहा था आपका? लड़का इंतजार कर रहा था मेरा, उतर के उसने आया, बस उस लेके पूरा चौराहे पे आया था। फिर मैं घर से निकली, सब कुछ अच्छा ही था, नॉर्मली था। घर से निकल के आई तो रास्ते में पापा मम्मी आ गए लोग, तो बोलने लगे कि चलो मेरे साथ तुम, और मैं उस लड़के को बुलाता हूँ, बात करता हूँ ये वो। मैंने उसे बोल दिया था जाने के लिए, तो वो गया क्यों नहीं ये वो। तो मैंने कहा मैं नहीं बुलाया था उसे, जब आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, उससे कुछ और बोल रहे, मुझसे कुछ और बोल रहे, मुझसे भी बोले कि नहीं कराऊंगा, उससे भी बोले कि नहीं कराऊंगा, तो वो चला गया। तो उन लोगों को लगता था कि बस मैं उतावली हो रही शादी करने के लिए, ये नहीं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे वजह से वो चुप है बस जी। मैं उसको बोल रही थी तू बोल तो बोल रहा था, मैं बोल रही थी चुप रहो तो चुप था, अगर उसका बस चलता तो वो भी बोलता कुछ, वो भी करता, लेकिन वो मेरे वजह से चुप था, क्या कर सकते। सवाल मैं बहुत देर से सोच रहा था पूछने के लिए, एक माँ आपको 9 महीने कोख में रख के पैदा की, 20 साल तक आपको जो भी चीज़ें हैं पालन पोषण की, उसके बाद 1 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को आप भूल जा रही हैं, आगे चल के आपके साथ अगर समस्या होता है तब आप क्या करेंगे? होगा तो देखा जाएगा। अच्छा। हाँ, आप साथ में आए तो साथ निभाएंगे ना, होगा तो देखा जाएगा। अच्छा। माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए ना, इंसान कहता है कि बेटा बेटी माँ बाप को नहीं बताता है, जब बताओ तो दिक्कत, ना बताओ तो दिक्कत। वो सोचने लगते हैं कि बताई नहीं मुझे, बताई होती तो मैं कर दी होती, अगर गलत कदम उठा लो तो वो बोलते हैं कि बता दी थी मुझसे तो मैं करवा देती। बट उसके बाद वो लोग फिर बोलते हैं क्या, जब बता दो तो कहते हैं लोग कि नहीं बेटा वो गलत है, तो वो हिंदू है तो फलाना है तो ठिकाना है, मत करो तो भूल जाओ, तो ये समझ लो वो समझ लो। लड़का हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे चाहे कोई भी जात धर्म कराए, आपसे कोई मतलब नहीं है, प्यार हो गया तो प्यार हो गया, प्यार हो गया तो हो गया, नहीं वो निभा तो रहा है ना। जो खुशी माँ बाप शादी देख के करवाएंगे वो भी तो वही देगा ना। अगर माँ बाप शादी करवाते हैं तो अगर वो मुझे मारता पीटता तो फिर बोलते हैं लोग क्या कि तेरा नसीब था जो तुझे हो गया, तुझे तेरा जहाँ पे कर दिया वो तेरा नसीब था। अगर ये मेरे साथ कुछ करता है तो तू अपने कर्म से किए ना, अब तू समझ अपना। घर पे आप लोग के सब लोग खुश हैं शादी को लेकर? एक मुस्लिम लड़की को जब लेके अपने घर में जाएंगे, राजपूत ठाकुर हैं जो अपने घर लेके जाएंगे, तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? कर लिया है पहले ही, हम तो घुमा के लाए हैं घर को, 4-5 दिन वहाँ रहे थे हम लोग आराम से। तो घर वाले क्या बोल रहे? बोला ठीक है खुश रहो आराम से, खूब कमाओ खाओ और क्या है जी। घर वालों को कोई कुछ नहीं बोला हमको। माता पिता चाचा हित नाथ रिश्तेदार सब लोग खुश हैं आपके शादी से? सब लोग खुश हैं। ऐसा ना हो कि कैमरे के सामने अच्छी अच्छी बातें डायलॉग मार के ले जाएं और वहाँ पे कुछ और हो जाए। घर से मैं वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ, अपना नंबर दे देना पर्सनली, ठीक है, अगर कोई ऐसा है। उससे पहले ये गई हुई है, खुद पूछ लो इससे जी। कोई कैसा भी कोई किसी ने सवाल नहीं किया,
पहले ही मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, बात खत्म। अब मेरे आप इनके घर गई? हाँ गए। कितने बार गई? दो बार गए। कैसा वहाँ का रवैया आपके प्रति रहा? रवैया तो सही रहा, इनकी मम्मी है, भाई लोग, इनकी बड़ी भौजाई मेरे पास ही रहती थी। अच्छा। हाँ हम लोग साथ में ही रहते थे, और सबसे बड़ी जो थी वो गांव में थी, तो गांव में गए थे तो सब लोग अच्छे से थे। आपके घर वाले ये नहीं बोले कि मुस्लिम लड़की तू लेके आई बहुत पिटाई हई हुई गाँव यूपी में ऐसे बोलते रहते? कुछ नहीं बोले थे, बस शुरू में कहा था मम्मी ने कि घर वाले मानेंगे उसके, हमने नहीं माने तो क्या हुआ। ये बताइए आप, औरत की जात होती है नहीं ना, शादी के बाद ही बनती है। तो बोले हाँ, तो मैं ठीक है बात ख़त्म, शादी कर लूँगा तो मेरी हो जाएगी बात ख़त्म, बस कर लिए। कर लिए। अब कैसा आपको महसूस हो रहा है, इनके लिए दो लाइन क्या कहना चाहेंगे? अच्छा महसूस हो रहा है, हाँ अच्छे हैं। जिस मंजर से निकल के आई हैं वो कभी ख्याल की थी? नहीं, सोच कर तो कुछ और आए थे। अच्छा। कि सोच कर आए थे कि सब खुशी खुशी हो जाएगा। हाँ, पर यहाँ पिता तो आपको कहे थे कि मुस्लिम धर्म तुम अपना के आओ और पूरा जो भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के आओ, तब तुमको मैं शादी करूँगा। जब हम नोएडा थे तब पता चला इन्हें कि हमने ऐसे ऐसे कर लिया है, तब बोले थे कि तुम यहाँ आ जाओ और उसके बाद हम तुम्हें यहाँ पे आराम से विदा करके दे देंगे, मतलब भेज देंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ आए हैं कमरे में बिठा के हमको, तब बोला कि ये सब करना पड़ेगा तुमको, हमारे रवैये में रहना पड़ेगा, ये सब खाना पीना पड़ेगा। मैंने किया खाना पीना पड़ेगा वही कि चिकन वगैरह जो होता है इनका। चिकन तो तुम खाते हो ना भाई? पहले चिकन हम उतना नहीं खाते जितना ये खाते हैं, मतलब ये तीज त्यौहार अपना जैसे नवरात्रि चल रहे हैं इनमें नहीं खाते बिल्कुल। गले के माला भी उतारने के लिए बोले थे? हाँ ये ओम है जो। अच्छा। इसके लिए बोल रहे थे कि इसको छिपा लेना। अच्छा। ये सब तो मैंने ओम छिपा लेना के अगल बगल के लोग ये ना जज कर पाए लड़का मुस्लिम है या हिंदू है। थोड़ा सेविंग थोड़ा एकदम ये था, हल्का हल्का करा दिया मैं, चलो करा देते हैं निकल आएगा दोबारा। तो फिर भी बात का पतंगड़ बना दिया उन्होंने और क्या।